कितने क्रंची और क्रिस्पी बने हैं ये देखिए। हाय एवरीवन, मैं हूँ पारुल, कुक विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रोज के नाश्ते से हम परेशान हो जाते हैं कि क्या बनाएं और कुछ नया समझ नहीं आता, तो आज जो मैं रेसिपी बनाने जा रही हूँ बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, बहुत ही हेल्दी और झटपट बनने वाली, इतनी टेस्टी कि आप इसके सामने होटल के हरे भरे कबाब भी भूल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये स्पेशल ब्रेकफास्ट रेसिपी। सबसे पहले हम एक बोल लेंगे और बोल में हम डालेंगे 2 मीडियम साइज के उबले हुए आलू जिनको मैंने ग्रेट कर लिया है, 1/2 कप पनीर यानी इंडियन कॉटेज चीज इसको भी मैंने ग्रेट कर लिया है, ये मैंने लिया है 2 कप पोहा यानी फ्लैटन राइस जिसको आप चिरवा या बहुत सी जगह चूरा भी बोला जाता है, बहुत ही इजीली ये मिल जाता है मार्केट में, बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। चिरवे को मैंने पानी में 15 मिनट के लिए भिगो दिया था और भीगने के बाद ये इस तरीके से फूल गए हैं, बिल्कुल बढ़िया से आप भिगो लें और भीगने के बाद चलनी में छान लें और थोड़ी देर उसका पानी टपकने दें तो उसके बाद ही आपको एकदम खिले हुए और एकदम सॉफ्ट चिरवा तैयार हो जाता है। 1 छोटे चम्मच अदरक चॉप्ड, 1 प्याज बारीक कटी हुई, चाहे आप चॉप कर लें, 1 छोटी गाजर बारीक कटी हुई, 1 छोटी शिमला मिर्च बारीक कटी हुई। यहाँ पर वेजीज आप अपने मन की कोई भी डाल सकते हैं या फिर आप इसमें से इसके बीक कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, हरी मिर्च आप स्वाद के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगता है फ्रेंड्स ये नाश्ता और एकदम हेल्दी भी है। अब मैं यहाँ डाल रही हूँ 1/3 कप ऑलमोस्ट 3 बड़े चम्मच भुनी हुई मूंगफली। मूंगफली को भून करके मैंने इस तरीके से बारीक क्रश कर लिया था मिक्सी में, बहुत ही बढ़िया इससे स्वाद आता है और क्रंची फ्लेवर आता है। 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया, हरा धनिया आप खूब अच्छे से डालें इसमें क्योंकि इसका फ्लेवर इसमें बहुत बढ़िया लगता है। और अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, अब इसमें हम डालेंगे 2 छोटी चम्मच चाट मसाला, 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आप अपने स्वाद के हिसाब से मसाले कम या ज्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ डाल रही हूँ 1/4 कप ब्रेड क्रम, ब्रेड क्रम बनाना बहुत ही आसान है, ब्रेड के किनारे अक्सर बच जाते हैं, उनको आप कढ़ाई में हल्का सा करारा कीजिए और उसके बाद मिक्सी में दरदरा पीस लीजिए तो आपका ब्रेड क्रम तैयार हो जाएगा। इसको क्रंची टेक्सचर देने के लिए मैं यहाँ ये ब्रेड क्रम डाल रही हूँ, इसकी वजह से बाइंडिंग भी अच्छी होगी और ये बिल्कुल करारे बनेंगे। ब्रेड क्रम यहाँ बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसके बगैर भी इनको बना सकते हैं। अच्छी तरीके से सभी चीजों को हम मिक्स करेंगे। अगर आप पालक लाइक करते हैं तो इसमें बारीक कटा हुआ पालक भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। और इस तरीके से मैंने सारे मिक्स को बढ़िया से मिक्स कर लिया है। अब हाथ को थोड़ा सा ऑयल डालकर के चिकना करेंगे और इसमें से एक बॉल तोड़ेंगे। अब बॉल को इस तरह से रोल करेंगे, हल्के हाथ से हल्का सा प्रेस करेंगे और इसको एक कटलेट की शेप देंगे, बिल्कुल इस तरीके से, और सारे हम इसी तरीके से बनाएंगे। और ये लीजिए, इस तरीके से मैंने सारे ही बैच पोहा कटलेट तैयार कर लिए हैं और ये देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं, खाने में भी बहुत टेस्टी हैं। तो चलिए अब इसको करते हैं शैलो फ्राई। सबसे पहले गैस पर एक पैन चढ़ाएंगे और पैन में डालेंगे थोड़ा सा ऑयल क्योंकि मैं इनको करने जा रही हूँ शैलो फ्राई, आप चाहें तो इनको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। ऑयल को थोड़ा गर्म होने देंगे, अब हम धीरे धीरे कटलेट्स को शैलो फ्राई करेंगे। एक बार में आप उतने ही पीसेस रखें जो इजीली शैलो फ्राई हो जाएं और जब तक इसके नीचे की लेयर हल्की सिक नहीं जाती तब तक हम इनको नहीं टच करेंगे और बाद में फिर हम धीरे से इसको फ्लिप करेंगे। और अब हम स्लोली इनको फ्लिप करेंगे, देखिए कितना बढ़िया क्रंची गोल्डन कलर आ गया है। और इसी तरीके से अब इसके नीचे की लेयर को भी बढ़िया से सिकने देंगे मीडियम फ्लेम पर। और ये देखिए हमारा बिल्कुल क्रिस्पी, बहुत ही यमी और एकदम क्रंची बैच पोहा कटलेट बिल्कुल तैयार है। इसी तरीके से हम बाकी सभी बैच पोहा कटलेट्स को शैलो फ्राई करेंगे। तो ये लीजिए बिल्कुल तैयार हैं हमारे क्रंची क्रिस्पी बैच पोहा कटलेट जो बहुत हेल्दी भी हैं और बहुत टेस्टी क्योंकि हमने इसको खूब सारी वेजीज पनीर और मूंगफली सभी चीजों से स्टफ किया है। और मैं ये आपको उठाकर दिखाती हूँ कि ये कितने क्रंची और क्रिस्पी बने हैं, ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी और इतने स्वादिष्ट, एक पीस के बाद आप दूसरा पीस लिए बगैर रह नहीं पाएंगे। तो एंजॉय कीजिए अपनी चाय के साथ इस क्रंची क्रिस्पी बैच पोहा कटलेट को, बच्चों को भी ये बिल्कुल भा जाएंगे, आप उनके लंच बॉक्स में भी बनाकर रख सकती हैं। और एक इसमें अच्छी बात ये है कि आप इसको पहले से बना करके फ्रिज में भी रख सकते हैं, सिर्फ आप कटलेट की शेप दे करके आप एक एयरटाइट बॉक्स में बना करके रख दें, जब आपको इसको फ्राई करना हो तब आप निकालें और फ्राई करें, बहुत ही बढ़िया बनेंगे। दूसरी पॉइंट जरूरी है कि आपको पोहे की मात्रा ज्यादा लेनी है, आलू की कम। फ्रेंड्स
अगर आपको ये आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो हमेशा की तरह लाइक करें, सभी सोशल साइट्स, फ्रेंड्स, परिवार सभी के साथ शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद, जय भारत।